ठीक है, मार लो पहले, पहले मार लो। तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस गाइस। ये वाला वीडियो मेरा मिरर वर्ल्ड के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि यार बहुत बड़ी अपडेट था ये, आज तक का सबसे बेस्ट अपडेट था जिसमें लोगों ने इतना एंजॉय किया हो। डबल ट्रिपल लाइफ मिली लोगों को खेलने के लिए एंड काफ़ी मज़ा हटके था, लेकिन एक टाइम पर यार इससे भी हम बोर हो गए एंड फाइनली इस अपडेट को भी जानने की ज़रूरत थी। लेकिन मेरे अकेले के ओपिनियन यहाँ पे कोई मायने नहीं रखते, इसलिए आपका ओपिनियन भी जरूरी है। प्लीज़ अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं कि भाई आपको ये अपडेट कैसा लगा, या आज तक का सबसे बेस्ट अपडेट ये वाकई में था, और क्या आप इस अपडेट को खेल के बोर हुए। बहुत लोगों ने रैंक पुश किया जिन्होंने कभी लाइफ में नहीं किया होगा, उन्होंने भी इस अपडेट की मदद से जो है रैंक पुश किया, क्योंकि लोगों को जो है दो दो तीन दिन लाइफ मिलती थी, ऊपर जाके छिप जाते थे या वहाँ पे जाके किल करते थे, तो एक्स्ट्रा प्लस होता था। बहुत लोगों ने इसकी मदद से जो अपनी फर्स्ट टाइम रैंक पुशिंग भी करी है, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतना बुरा लगा होगा। लेकिन हाँ, एक टाइम पे सब बोर हो जरूर गए होंगे, तो मेरे को ये बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आप बोर हुए या नहीं। फिलहाल इस बंदे को निपटाया मैंने और यहाँ पे इसने मेरे टीममेट को जो है पीछे से नॉक कर दिया था, तो मैं इसको सबसे पहले तो रिवाइव देता हूँ। और मेरे हिसाब से ये अपडेट जो है आधा, जब तक मतलब जब नया नया आया था उसके काफ़ी टाइम तक भी मेरा फेवरेट अपडेट था ये, लेकिन बाद बाद में यार बहुत ज़्यादा बोर होने लग गया था, हमेशा ऊपर रहता था और वही फिर मर जाता। क्योंकि ऊपर आपकी स्किल्स कम लेकिन लक ज़्यादा चलता है, और अगर आप 10 बार ऊपर उतरो तो 8 बार तो आप मरेंगे मरेंगे। आपका बता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। अरे मुझे लगा तुम्हारा। फिलहाल कुछ ज़्यादा ही ओपन में चला गया था, मेरे को फिनिश करने वाला था वो बंदा, लेकिन जो टीममेट ने कवर दिया बहुत प्यारा कवर था भाई, लिटरली। अब यहाँ पे मेरे को रिवाइव मिलता वो बंदा छटपटा रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए। देखना ये था कि वो गया कहाँ, किनारे विनारे पे बैठा होगा कहीं पे, और तभी वाकई में उसी किनारे में बैठा हुआ था वो, ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था लेकिन कुछ हो नहीं पाया उस बंदे से। और उसके बाद जो है यहाँ पे सब क्लियर हो जाता है और हम चुपचाप यहाँ से जो है निकल लेते हैं। वैसे अब आगे देखना होगा कि कौन सा नया अपडेट आने वाला है। मैंने सुना है स्पाइडरमैन वाला अपडेट आने वाला है, तो लोग उसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग दुरुपयोग जो बोले वो करेंगे भाई, मस्त जाले वाले लगा के वहीं चढ़ जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग अभी तक भी चढ़ नहीं पाए थे, तो अब लोग वहाँ पे भी चढ़ेंगे। और देखना ही होगा पबजी जो है आगे कैसे कैसे अपडेट लेके आता है, आई मीन BGMI बार बार पबजी जो है निकल जाता है मुँह से। फिलहाल सामने मेरे को ये बगी दिखी, मेरे को थोड़ा शक हुआ कि यार नहीं, मतलब बगी क्या कर रही है यहाँ पे घर के पीछे। मतलब अगर कोई बंदा बगी में आया होगा तो वो बगी में जाएगा भी, तो ओबियसली बंदा यहाँ पे जो है कैंप कर रहा होगा, मैंने ऐसा सोचा। और उसके बाद वो बंदा जो है तभी स्पीक देता है, मेरे को लगा वो लेट रहा होगा वहाँ पे, बट अब देखो पीछे कूदा वो बंदा। और इस बंदे ने जो स्ट्रेटजी अपनाई बहुत ही घटिया थी यार, लिटरली। मतलब गाड़ी में कौन भागता इतना, वैसे हाँ भाग जाता वो अगर वो बगी का यूज़ करता, क्योंकि बगी में इतना बुलेट पड़ता है नहीं ड्राइविंग सीट के ऊपर, तो वो भाग जाता अगर बगी का यूज़ करता। लेकिन गाड़ी में बैठा, गाड़ी को मोड़ा, ये वो करा, तो इतने में तो हो गया उसका काम। फिलहाल एक गाड़ी आई यहाँ पे, तो ये मैंने पहली बार किया, मतलब मेरे टीम मेट ने मतलब ऊपर जाते बंदे को पेला। और भाई ये बंदा लिटरली हार्ट अटैक दे गया था मेरे को, मैंने इसको देखा तो था उधर उस समय, लेकिन ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कुछ देखा ही नहीं मैंने। खैर इस बंदे को निपटाने के बाद यहाँ पे इसकी पूरी टीम को, पूरी टीम तो नहीं मतलब एक बंदा भी बचा हुआ इनका, शायद ऊपर ही हुआ वो, तो इनको पेलने के बाद जो है सामने ड्रॉप गिरा था। मैंने सोचा चल लौट के आते हैं ड्रॉप, जैसे हम ड्रॉप के ऊपर गए ऊपर से एक बगी गई चुपचाप, वो बगी जाके ना ये शायद उन्हीं का बंदा था, आखिर ये वहीं पर देखने जाता था हमको जहाँ पे हमने इसके टीम को मारा था, बट वहाँ पे से कोई मिला नहीं, तो फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं और वो ऊपर चला जाता है अगेन। खैर अब यहाँ पे जब हम हमारी बगी स्लिप हुई तो एक गाड़ी दिखती है हमको, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ नहीं आई कि चल क्या रहा है, उछल क्यों रहे हैं ये लोग, मतलब मार भी रहे हैं उछल भी रहे हैं फिर मार रहे हैं फिर उछल रहे हैं, आई डोंट नो क्या यहाँ पे चल रहा था। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि क्या हुआ यहाँ पे। खैर इसको मैं मार देता हूँ, मुझे लगा ये एनमी है। अब यहाँ पे जैसे हम आए ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक टीम भी थी और एक टीम का हम पीछे कर रहे थे, मतलब तीन टीमें थी और 6 बंदे थे,
जिसमें से जो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट टीम थी उसको लगा कि शायद हम है, यानी कि नाम से हमने शायद देखा होगा जब हमने नॉक किया, तो वो उछलने लगी और बीच में जो एनमी टीम थी वो भी उछलने लगी। पता नहीं क्या कन्फ्यूजन से हुआ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया यार, उछल रहे मार रहे किसको मारना क्या करना, तो मैंने मार दिया जिसको मारना था। और वो जो आखिरी बच्चा बंदा था वो टीमों वाला था यार, उसके टीममेट को मैंने मारा जिसका नाम कुछ ब्लैक करके था, तो मैं समझ गया यार एक बंदे को मैंने गलती से मार दिया। फिर उसके बाद हम उससे मिलते हैं, उसको हेलो हाई करते हैं, उसको बाय करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं मिलने के बाद। फिर यहाँ पे देखो कैसे भरते हैं इन बंदों को, और यार यहाँ पर रश करना मेरे को बहुत आसान और ज़्यादा आसान लगने लगे, मज़ा आ जाता है यार यहाँ पर रश करके ना सीढ़ियों पे, एकदम इतना रश कर चुके हैं कि अब तो और मज़ा आता है। तो आपको पता ना आपको कहाँ रश करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, मेरे को तो अपार्टमेंट्स में आता है मज़ा। खैर अगर टीम वीम हो साथ में तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि अगर आप नॉक हो भी गए गलती से सामने वाले ने अच्छा खेल भी दिया तो टीममेट कवर देने के लिए अच्छे से रेडी रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारी गाड़ी का फ्यूल बीच रस्ते में खत्म होता है और हम ना यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं फ्यूल भर रहा था मेरे को बंदे दिखते थे, वो पीक ले रहा था, मैंने मेरे को वार्न किया और भाई लिटरली 1 HP में बचाऊँ मैं कैसे, आई डोंट नो, बट गाड़ी में फ्यूल नहीं, मेरे में बोलता भागो, तो मैं फ्यूल नहीं था गाड़ी में, मैंने बोला तो फिर भर मैं जो है तेरे को कवर देता हूँ, अब देना था मेरे को कवर, लेकिन वो बंदे पीक ना करें इसके लिए मैं बहुत बार फायर देता हूँ, और देखो कैसे कवर देते हैं। लेकिन जब हम गाड़ी में फ्यूल भर लेता मैं कवर दे लेता हूँ, तो उसके बाद मेरे को पता चलो चलते हैं उनके ऊपर रश करते हैं, लेकिन जब तक हम रश करते हैं वो लोग वहाँ से अपनी जो बगी है उसको उठा के पीछे की साइड निकल लेते, क्योंकि जोन के बाहर थे हम, याद रखना, और जोन के बाहर रहने से हम मर भी सकते हैं, ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ आपको बताऊँगा आगे जाके। लेकिन फिलहाल जोन के अंदर जाते हमारी गाड़ी जो पलट जाती है, और पलटी कहाँ पे, एनिमीज़ के मुँह पे आके, अभी तक तो कुछ था नहीं यहाँ पे, एकदम सब शांत लग रहा था, ना बगी ना घर के दरवाजे खुले, लेकिन तभी फायर होता है गंदा वाला, वो बंदा टीपी भी ले रहा था वहाँ पे। रुको, फुल हेल्थ कर लेता हूँ, मेरे को लगा ऊपर है लेकिन वो बंदा नीचे ही था यार, और वो बंदा इतनी देर तक खड़ के रहा था, आई डोंट नो, लेकिन इस बंदे को फिनिश किया। अभी ग्लिच है यार, फिनिश होते बंदे के पास से जंप करने की आवाज आती है, हमको लगा इसका टीममेट जो जंप करा है, तो मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, बट तभी उसकी आवाज़ आती है सामने वाले घर से, और इतना मैं समझ गया कि वो सामने वाले घर में ही है, और इन दोनों अपना एकदम रैंक पुश करते हैं मेरे को जहाँ तक लग रहा है। और हाँ बहुत सारे लोगों ने देखा भाई, बहुत लोग रैंक पुश कर रहे हैं ये वाले उसमें, आई डोंट नो बट यार बहुत ज़्यादा लोग, और ये बंदा पहला गया। पता क्या हो रहा है मैं बता दूं आपको, ज़्यादा तो लोग इसलिए रैंक पुश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है यार कि एक तो आदमी ऊपर उतरेगा मरेगा नहीं, है ना, तो अर्ली जो है आदमी का जो कह सकते हो आपकी वो जल्दी जो मरने के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी हद तक खत्म ही हो जाते हैं, और वैसे क्योंकि बंदा ऊपर उतरेगा तो मर भी जाएगा तो क्या ही होगा उसको ना, तो दैट्स व्हाई लोग आराम से रैंक पुश कर रहे हैं एकदम मस्त, है ना, तो ये चीज़ हो रही है। और दोबारा भी वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, पता उनको कोई डर डर कुछ नहीं है पता। फिलहाल वहाँ से निकले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी बंदे थे और बग्गी वग्गी भी लगी हुई थी, तो ये बंदा देखना था कहाँ पे, फायर किया था इसने, और ये वाली बिल्डिंग में था, अब एग्जैक्ट नहीं मैं करता लेकिन वो बंदा वहाँ पे था ही नहीं, मैं समझ गया कि वो शायद दूसरी तरफ टिप ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डब्बे पड़े रहते हैं दूसरी साइड उनके पीछे नेट नहीं जाता, तो मैंने नेट फेंका वहाँ पे भी नहीं था। सेकेंड स्टोरी पर वो हो नहीं सकता, तो मतलब कहाँ हो सकता, वो एक बार जाके देखना ही पड़ेगा, तो मैं और मेरे में जाके चेक करते हैं वहाँ पे कि वो बंदा है कहाँ पे। अब जब हम चेक कर रहे थे तो दिखा नहीं वो बंदा कहीं पे भी हमें, ना मैं एक बार ऊपर तब भी नहीं दिखा, दोबारा गए तब भी नहीं दिखा, तो पता लगा कि शायद वो साइड में स्लाइड्स पे बैठा होगा, शायद हो सकता है ऐसा, तो हम देखते हैं, लेकिन स्लाइड पे भी कोई था नहीं। और तभी मेरे को आवाज़ आती है, मैं समझ गया बंदा कहाँ पे। एक्चुअली जब ऊपर से उतरते हैं ना ये लोग तो पैराशूट से डायरेक्ट टेरेस के ऊपर लैंड करते हैं, बिल्कुल छत के ऊपर, और नेट देखना आप, मैंने आसमान में फेंका, वापस गिर के आया नीचे, और उसी समय फटा जब वो एनिमीज के पास से आ रहा था, काफ़ी इजीली उस बंदे को निपटाया। और यार ये मूवमेंट देख के ना लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑल्सो, क्योंकि यार वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, अगर वो अभी भी लाल कलर का है तो प्लीज़ उसको कलर चेंज करो, उसका टैप करो, उसको अच्छा नहीं लगता वो रेड कलर मेरे को, प्लीज़ उसको। और ना सिर्फ दबाव यार, मतलब उससे हमको सपोर्ट भी मिलता है, काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता है, और अभी तक भी बहुत सारा सपोर्ट किया है, मतलब कह नहीं सकता यार इतना, मतलब अभी तो मैं सपोर्ट मांगते हुए भी मतलब अच्छा नहीं लगता कि मतलब इतना सपोर्ट मिला आपकी साइड से, लेकिन फिर भी कहना थोड़ा सा फर्ज बनता है बीच में, इसलिए कह देता हूँ। अब ये जो M24 जैसी गन है इसको लेके यार एक तो दिक्कत ये रहती है कि रिलोड नहीं कर सकते इसको बाद में, इसलिए जो है M4 से, इसलिए बार बार M4 को रिलोड कर रहा था मैं। और यहाँ पे HP भी कम थी, लेकिन हम छूट जाते हैं जोन के बाहर, हील करना था क्योंकि आखिरी जोन गए थे, आखिरी जोन था, और अभी इतना काट नहीं रहा था, लेकिन हील तब तक हो ही जाती है ऑलमोस्ट। अब
कुल मिला के जो है जून के अंदर जानता हूँ, जून टच करके और ज़्यादा डैमेज करेगा। अभी तो उतना नहीं कर रहा लेकिन अब जैसे टच होगा तो तब करेगा ये, और हो चुका था टच। लेकिन एक गलती कर दी मैंने, और वो गलती आपने देखी, मैंने आधी हील करने के बावजूद हील को छोड़ दिया और उन बंदों को मारने में ज़्यादा विश्वास रखा क्योंकि टीममेट को कवर चाहिए था यार। मैं और मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये चीज़ है कि अगर सामने वाला टीममेट हमारे लिए आगे रिस्क ले रहा है तो हम भी मतलब उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो मैंने इतना हील छोड़ा, उन बंदों को फायर किया लेकिन कुछ बना नहीं यार। कभी हर बार ऐसा नहीं होता कि आप कोशिश करो और आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल हो ही जाओ, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे मैंने जो अपना रिस्क इसलिए लिया था ताकि टीममेट को बचा सकूँ, दो दो बंदे पड़ गए थे उसके ऊपर, लेकिन जब मैंने फायर किया तो मेरी हील छूट गई और सामने वाले बंदे भी जो है इजिली पहले तो ओपन में थे फिर कवर में चले गए और कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया वहाँ पे। अगर यहाँ पे उन बंदों को पेल पाते हम तो भाई इजिली चिकन डिनर होता हमारा। सो दैट्स इट, ये द गेम प्ले। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो बताने को कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो है आप एक चीज़ और करना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, एंड उस सब्सक्राइब बटन को जो है रेड कर, मतलब रेड तो होता ही, उसको टैप करके जो है सबसे पहले तो आप उसको जो है उसका कलर चेंज करो, उसको ग्रे करो एंड हिट दैट बेल आइकन टू। ओके, मिलते हैं फिर ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।